डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, मैथ में हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.4 को पढ़ रहे हैं। 7.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। क्वेश्चन नंबर 18 में इंटीग्रेट करना है 5x-2 अपॉन 1+2x+3x² dx। दोस्तों, आपको हम फार्मूला थ्योरी में बताए थे कि अगर ऊपर रैखिक समीकरण रहेगा और नीचे द्विघात समीकरण रहेगा तो हम लोग ऊपर पुट करते हैं, रैखिक समीकरण लिख लेते हैं और इसके बराबर पुट करते हैं a गुना डिफरेंशिएशन किसका, द्विघात समीकरण का। तो इसका डिफरेंशिएशन 1 का हो गया 0, प्लस 2x का डिफरेंशिएशन 2, 3x² का 6x, प्लस में b। तो इसको हो गया 5x-2 बराबर a को 0 से करेंगे 0, a को 2 से करेंगे 2a, प्लस ए को 6x करेंगे 6ax, प्लस में बी। दोनों तरफ देखिए तो x का गुणांक कितना है, यहाँ पे 5, और इधर x का गुणांक क्या है, सिर्फ 6a। तो ये बराबर होगा, इधर बिना x वाला कितना है, -2, इधर बिना x वाला कौन कौन है, तो 2a प्लस बी। यहाँ से आप a और b का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो a का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से 5/6। यहाँ से आप a का वैल्यू निकाल लीजिए और a का वैल्यू यहाँ रख के b का वैल्यू निकाल लीजिए, तो a इज इक्वल -2 इज इक्वल टू 2 × 5/6 + b। 2 से ये 3 बार में कट जाएगा, तो ये -2 है, इधर आएगा तो -5/3 बराबर b। इसलिए b का वैल्यू कितना हो जाएगा, -11/3। यानी कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम लोग कैसे करते हैं, तो इसके जगह पे a का वैल्यू और b का वैल्यू पुट हो गया। दोस्त, अब इसके जगह पे हम लोग क्या रख रहे हैं, तो 5x-2 के जगह पे, सवाल तो ऐसा ही ना था, 5x-2 और 1+2x+3x² dx। तो हम क्या किए, इसके जगह पे रख दिए 5x+2 के जगह पे a, और इसका डिफरेंशिएशन कितना, 2+6x + b। ऊपर वाला के जगह यही रख दिए 1+2x+3x² और (dx). a का वैल्यू कितना आया, तो a का वैल्यू 5/6 और b का वैल्यू -11/3। तो a के जगह पे रख दिया 5/6, 2+6x + -11/3 / 1+2x+3x² dx। फिर क्या कर दिए, तो इस 5/6 को 2+6x के साथ इस द्विघात समीकरण को रख दिए 2x+3x² और प्लस माइनस माइनस अलग अलग कर दिए 11/3 और 1+2x+3x² और पूरा का dx। मैथमेटिक्स का रूल है कि यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हुआ तो माइनस में हम इसको बटा वालों को अलग अलग कर सकते हैं। फिर हम लोग सीखें कि अलग अलग इंटीग्रेशन को कर सकते हैं, 5/6, 2+6x/1+2x+3x² माइनस में इसको अलग तोड़ दिए 11/3, 1+2x+3x² और (dx) (dx). दोस्त, इसको हम लोग मान लेते हैं I1, इसको क्या मान लेते हैं, I1, और इसको मान लेते हैं I2, ठीक है। तो I1 का वैल्यू हम अलग निकाल लेंगे, I2 का वैल्यू हम लोग अलग निकाल लेंगे। तो I1 और I2 को निकाल करके I1 में से I2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। चलिए हम लोग I1 निकालते हैं सबसे पहले। तो I1 हम लोगों को क्या था, तो I1 था दोस्तों इंटीग्रेशन 5/6, 2+6x/1+2x+3x² dx। तो दोस्तों I1 निकालने के लिए जो नीचे है उसको धड़ाक से आप क्या मान लीजिए,
ऐसा करने से यहाँ पे बनेगा 2 + 6x dx इज इक्वल टू डी टी। दोस्तों 5/6 इंटीग्रेशन से बाहर हो गया, अब बचता क्या है, 2 + 6x इंटू डी एक्स बट्टा 1 + 2x + 3x² 5/6 बाहर निकल गया, 2 + 6x डी एक्स की जगह पे ऊपर रख दिया डी टी और नीचे हो गया टी। इसको अच्छा से बोले तो इसको लिख सकते हैं 1/t डी टी, और 1/t का फार्मूला होता है लॉग टी, लॉग मॉड टी प्लस सी। इसलिए दोस्तों 5/6 का तो 5/6 रहा, लॉग हो गया टी किसको माने थे तो नीचे वाला को, 1 + 2x + 3x² प्लस सी। ये हम लोगों को आई वन निकला, ठीक है। चलिए आई टू निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। तो आई टू कैसे निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन 11/3 1 + 2x + 3x² dx। 11/3 को हम लोग बाहर निकालेंगे तो ऊपर क्या बच रहा है, 1/1 + 2x + 3x² dx। अब मामला आपको फंस कहाँ रहा होगा, तो अब आपका मामला जो फंस रहा होगा कि सर नीचे तो द्विघात समीकरण है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पे नाउ क्या करिए, पुट करना पड़ेगा यहाँ पे 1 + 2x + 3x² को आपको चेंज करना है फार्मूला पे लाने के लिए, इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। या तो x² + a² आ जाए, या तो x² - a² आ जाए, या a² - x² कुछ भी आ जाए, तो यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए फार्मूला होता है x² - b/2a² प्लस c/a - b²/4a², ठीक है। और बाहर में क्या होता है, a होता है, x - b/2a प्लस c/a - b²/4a², ये हम लोगों को फार्मूला होता है। अब यहाँ पे a क्या है भाई, इसके में a का वैल्यू हो गया 3, b का वैल्यू कितना है 2, c का वैल्यू कितना है 1। तो a का वैल्यू रखना है यहाँ पे 3 रख दिया, x - b कितना है 2 और a कितना है 3, तो यहाँ हो जाएगा 2/2 × 3। 2 तो 2 है, a का वैल्यू 3 है, और सबका क्या करना स्क्वायर, तो ये कट गया 2 से 2। c/a तो c कितना है 1/3 माइनस बी का स्क्वायर, तो बी 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 है ए का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 9 चौका 36, 4 9 36 ब्रैकेट में, तो 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x - 1/3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 1/3 है, -1/9 है, तो 3 और 9 का एलसीएम 9, तो यहाँ बनेगा 3 और माइनस हो जाएगा 1, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 हो गया x - 1/3 का होल स्क्वायर और प्लस 3 में से एक गया 2/9 का ब्रैकेट। तो दोस्तों इस द्विघात समीकरण में हम लोग इतना लिख सकते हैं, 3 x - 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/9, यानी कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि वो तो ऑलरेडी 11/3 बाहर है, इंटीग्रेशन 1/, हम इसको लिख सकते हैं 3 (x - 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/9, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना। देख लो भाई, नीचे वाला का ही तो सॉल्व करते करते 1 + 2x + 3x² को सॉल्व करते 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 इतना लाए हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ के बाद, कि नीचे वाला 3 जो है सबके गुना में है, तो इसको हम लोग बाहर निकालेंगे तो 11/ कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 3 जब बाहर निकलेगा तो 3 3 9 हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन 1/, अब क्या बच रहा होगा, तो x - 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/9 है, तो इसको लिख सकते हैं √d/3 का होल स्क्वायर × dx। तो ये अब फार्मूला पे आ रहा है, कौन से फार्मूला पे, 1/x² + a² × dx, ये होता है tan−1 x/a फार्मूला होता है। क्या करो, 11/9 और यहाँ हो जाएगा tan−1 x, तो x की जगह पे कितना x - 1/3 और a की जगह पे कितना √2/3
प्लस में सी, तो ये 11/9 है टेन इनवर्स, ये नीचे वाला 3 ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3x और माइनस 1, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा और बट्टा में क्या √2 प्लस में सी। तो ये हम लोगों को I2 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनली आंसर जो करेंगे वो क्या करेंगे, I बराबर I1 में से I2 को घटा लेंगे। तो I1 कितना आया था जरा देख लेते हैं, तो I1 हम लोगों को यहाँ आया था 5/6 log इतना, तो यहाँ लिख देंगे 5/6 log के अंदर 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस I2 कितना आया 11/9 tan इनवर्स 3x माइनस 1 बट्टा √2 और प्लस सी। एक गो सी लगाते हैं, दो गो सी नहीं, ठीक है। जरा आंसर देख लेते हैं हम लोग कि क्या आंसर है, तो 7.4 है ना हम लोगों का, दिखाते हैं 7.4 का क्वेश्चन नंबर कितना ही है 18। तो देख पा रहे हैं हम लोगों को क्वेश्चन क्या है, 5/6 लॉग इतना माइनस, यहाँ पे हम लोगों को कैसे दिखा रहा है भाई, 11/3 √2 लिख दिया यहाँ पे, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है आंसर में, 11/ यहाँ पे 3√2 नहीं होगा 9 होगा ना, क्योंकि हम लोगों तो सभी सब सही किए हैं यहाँ पे। देख लेते एक बार इसको चेक कर लेते हैं, सही है, ए बाहर निकालते हैं तो ए का वैल्यू यहाँ पे 3 है ना, तो ए का वैल्यू 3 है तो 3 बाहर निकल गया भाई, सब कुछ सही है। 11/ वहाँ पे 9 होगा, ठीक है, 18 नंबर में वहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों का यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है, सब कुछ सही है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। तो दोस्त हार्ड नहीं है, बशर्ते आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलिए 19 नंबर को देखते हैं आपको, 19 नंबर में क्वेश्चन है, ऊपर 6x प्लस 7 है और बटा √ वही x माइनस 5 है और x माइनस 4 है, x माइनस 5 है x माइनस 4, 6x प्लस 7 और √ इसको इसको गुना करेंगे तो कितना होगा x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इंटू dx, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हम लोगों को सेम वही कंडीशन है दोस्तों, करेंगे क्या, सबसे पहले a और b का मान निकालिएगा, a का वैल्यू और b का वैल्यू, जैसे भी 18 नंबर क्वेश्चन बनाया है वैसे ही आप 19 नंबर को भी बनाएंगे, वैसे ही आप 20 नंबर को भी बनाएंगे, वैसे ही आप 21 को बनाएंगे, वैसे ही आप 22 को बनाएंगे, वैसे ही आप 23 को बनाएंगे, ठीक है। अब रहा बात कि सर आपने तो बताया कि पिछला बार जो बताया वो रूट में था, रूट में नहीं था, ये तो रूट में है, तो भाई क्या दिक्कत है, रूट में है तो छोड़ दो ना, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, रूट वाला अच्छा एक बता ही देते हैं। हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या कि रैखिक समीकरण 6x प्लस 1 है, a लिखेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होगा 2x माइनस 9 प्लस बी, यहाँ से आप a और का मान निकालिएगा, b का मान निकालिएगा, तो आपको कैसे आएगा, तो 6x प्लस 7 के जगह पे आप रखिएगा a 2x माइनस 9 प्लस बी बट्टा जितना है √x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अब इसको दो पार्ट में तोड़िएगा इंटीग्रेशन में, ए जब ए का मान जो भी आएगा ए बाहर कर लीजिएगा, 2x माइनस 9 इंटू डी एक्स बट्टा रूट में x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो इसको I1 मान लीजिएगा और इसको I2, तो आई इसको रूट के अंदर वाला को t मान लीजिएगा तो ऊपर वाला खुद dt दिखने लगेगा, e वाला में क्या करेंगे तो b बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन 1/√x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। फिर ई वाला फार्मूला जो है कैसे एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर बनाएंगे, तो ई वाला फार्मूला का यूज करके और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर बना लेंगे, और हम लोग तो फार्मूला में फिर आ जाएगा कि 1/ में रूट में रहता है तो हम लोग उसका डिफरेंस उसका कैसे करते हैं। तो दोस्तों बहुत ईजी है, आपको जो है क्वेश्चन नंबर 23 तक के ट्राई करना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 तक के आपको बनाना है कि इसका आंसर क्या होगा। सब वैसा ही है, ऊपर रैखिक समीकरण है, नीचे द्विघात समीकरण है, वो रूट में है तो रूट वाला फार्मूला लगेगा, 1/
रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, चाहे कुछ भी, ठीक है। चलिए तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 23 तक के क्वेश्चन को ट्राई करना है। नहीं बनेगा तो आप ज़रूर बोलिएगा कि सर 21 18 से लेकर 23 के बीच में कुछ प्रॉब्लम है, आप बता दीजिए, हम उसको बनाकर भेज देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।